सितंबर 1948 में कोरियन पेनिनसुला दो हिस्सों में बटा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कुछ वक्त के लिए सैन्य तानाशाही रही, फिर लोकतंत्र आ गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अच्छे दिन नहीं आए। नॉर्थ कोरिया के इतिहास में अभी तक तीन ही शासक हुए हैं और इन तीनों में कई समानताएं रही हैं। तीनों के नाम की शुरुआत किम से होती है, तीनों एक ही खानदान से हैं और तीनों ही एक नंबर के धूर्त तानाशाह हैं। इनके नाम जान लीजिए। सबसे पहले किम इल सुंग, इसने 1948 से 1994 तक शासन किया। जब मौत हुई तो इसके बेटे किम जोंग इल ने गद्दी संभाली। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की मौत हो गई। किम जोंग इल की मौत के बाद चर्चा चली कि अगला कौन। जब किम इल सुंग मर रहा था तब तय था कि सत्ता किम जोंग इल के पास आएगी, लेकिन इस दफा ऐसा कोई संकेत नहीं था। दो दिन तक मौत की खबर छिपा कर रखी गई। आशंका जताई गई कि लीडरशिप को लेकर झगड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन जब खबर बाहर आई और किम जोंग इल की शव यात्रा निकली तब तक धुंध साफ होने लगी थी। शव यात्रा वाली गाड़ी को पकड़े एक 27 साल का नौजवान चल रहा था, चेहरा शांत, सर झुका, चाल में कथित सादगी। इसका नाम किम जोंग उन। किम जोंग इल का सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन, अभी किम कॉमन है उसको किनारे कर दीजिए, जोंग इल नाम है, अब जोंग को भी किनारे कर दीजिए, कॉमन है। इल का बेटा उन, किम जोंग इल का बेटा किम जोंग उन, सबसे छोटा बेटा। नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाले जानकारों ने तस्वीर और नौजवान के अनुभव का आकलन किया और फिर लिखा, किम जोंग उन नौजवान है, उसका अनुभव सत्ता में बरकरार रहने के लिए काफी नहीं है, हो सकता है कि मिलिट्री उसके खिलाफ विद्रोह कर दे। ये 2011 की बात है। व्हाइट हाउस के एक पूर्व अधिकारी ने यह भी कहा कि किम जोंग इल की मौत के बाद तानाशाही बिखर जाएगी, कुछ हफ्तों कुछ महीनों में ही होगा जरूर। किम जोंग उन की पढ़ाई लिखाई स्विट्जरलैंड में हुई थी, वो बास्केटबॉल लीग का दीवाना था। कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि नॉर्थ कोरिया का चाल और चरित्र शायद बदल जाए, शायद वहाँ भी आधुनिकता आए, शांति का साम्राज्य हो, लोकतंत्र आए और भी बड़ी बड़ी बातें। इन आकलनों को 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 वर्षों में नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ। किम जोंग उन ने अपने को चुनौती देने वाले हर व्यक्ति को, हर सत्ता को किनारे कर दिया। वो अपने विरोधियों को मरवाने के लिए कुख्यात है। इन विरोधियों में उसके अपने चाचा भी शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 10 साल में नॉर्थ कोरिया 4 परमाणु और 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी कर चुका है। इसी वर्ष सितंबर में उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया। किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया जब चाहे तब अमरीका से बात करता है, जब चाहे धमका भी देता है। और ये सब कैसे हुआ। किम ने सबसे पहले उन लोगों को रास्ते से हटाना शुरू किया जो उसकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकते थे। ये तानाशाही का सबसे जरूरी पहलू है, हर विरोध को कुचलना। इसका पहला नजारा दिखा दिसंबर 2013 में, जब नॉर्थ कोरियन न्यूज एजेंसी KCNA ने किम के चाचा जेंग सोंग थाए की खबर चलाई। और ये रिपोर्ट क्या थी, खबर क्या थी, जेंग गद्दार है, कुत्ते से बदतर है, उसने तख्ता पलट की साजिश रची, दशकों तक घोटाला किया और अब उसका पाप बाहर आ चुका है। उसने मिलिट्री कोर्ट के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। जेंग को मौत की सजा दी जाती है। जेंग सोंग थाएक एक समय नॉर्थ कोरिया का सबसे ताकतवर जिन लोगों का समूह था उनमें से एक था। उसकी शादी किम जोंग उनकी एक बुआ से हुई थी। कहा जाता था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन जब किम को उससे खतरा लगा तो ठिकाने लगाने में वक्त नहीं लगा। दूसरा उदाहरण किम जोंग नेम का है। किम जोंग नेम किम जोंग उन का बड़ा भाई था। बड़े भाई का नाम नेम, छोटे का नाम उन, किम जोंग कॉमन। किम जोंग उन ने क्या किया बड़े भाई नेम के साथ। उसे किम जोंग नेम को एक समय नॉर्थ कोरिया का अगला तानाशाह माना जाता था, लेकिन 2001 में उसका पापा से झगड़ा हो गया था और 2003 में उसे नॉर्थ कोरिया से निष्कासित कर दिया गया था। इस निष्कासन के बाद क्या हुआ था, इस दौरान वो नॉर्थ कोरिया के रिजीम का आलोचक बन गया। फिर 13 फरवरी 2017 का दौर आया। अब तक उसके पापा की जगह उसका छोटा भाई नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बन चुका था। किम जोंग नेम उस दिन मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एक महिला आती है और उसके चेहरे पर तेल जैसा कुछ स्प्रे कर देती है। वो बेचैन हो जाता है। इतने में दूसरी महिला आती है और चेहरा पोंछने का नाटक करती है। फिर दोनों चुपचाप निकल जाती हैं और 20 मिनट बाद किम जोंग नेम की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि किम जोंग नेम की हत्या का आदेश उसके छोटे भाई किम जोंग उन ने दिया था। उसने पहले भी 2 बार हत्यारे भेजे थे पर तब प्लान सफल नहीं हो पाया। इस बार सफल हुआ और नेम मर गया। किम जोंग नेम की इस घटना के बाद और चाचा की घटना के बाद
लोगों को समझ में आ गया कि जब परिवार सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे होंगे, और ये भी कि नॉर्थ कोरिया में रहना है तो किम जोंग उन की जिंदाबाद कहना है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी किम जोंग उन ने दांव चला। 2018 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ रहे तनाव को कम करने की सहमति बनी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। उसने साउथ कोरिया के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करने की पहल भी की। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी कई बार मुलाकातें की। जानकारों का कहना है कि ये सब बाहरी शक्तियों को संतुलन में रखने की तरकीब भर है, हालांकि वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब दिख रहा है। किम के सामने चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती उसका अपना स्वास्थ्य। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर दर्जनों बार चल चुकी है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। इस साल यह अफवाह जून में उड़ी, कहा गया उसे कोरोना हो गया। 3 हफ्ते तक स्टेट मीडिया ने उसकी चर्चा नहीं की। 3 हफ्ते बाद जब वो बाहर आया तो उसका शरीर सिकुड़ चुका था, वजन घट चुका था। जानकार कहते हैं कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। हेल्थ के बाद दूसरी चुनौती घरेलू मोर्चे पर है। नॉर्थ कोरिया पिछले एक साल में बाढ़ और खतरनाक तूफानों से परेशान है। गरीबी और भुखमरी चरम पर है। कोरोना के चलते नॉर्थ कोरिया ने सीमाएं बंद कर रखी थी, इस वजह से चीन से राहत का सामान भी नहीं आ पा रहा था। एक कार्यक्रम में किम ने इन सबके लिए माफ़ी भी मांगी थी, जो कि रेयर था। तीसरी चुनौती विदेशी मोर्चे पर है। हमने पहले भी बताया, नॉर्थ कोरिया हथियारों का परीक्षण इसलिए करता है ताकि वो बातचीत की मेज़ पर अपनी शर्तें थोप सके। अभी तक उसकी धमकियां बहुत कारगर नहीं रही, क्या आगे भी ऐसा होगा बहुत भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो भले ही किम जोंग उन के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है, पर क्या इससे उसकी सत्ता पर कोई फौरी असर पड़ेगा? मिला जुला जवाब है विद्वानों का, पर इतना ज़रूर तय है कि नॉर्थ कोरिया की जनता हमेशा की तरह बाकी दुनिया से जब तक वो है कटी रहेगी, शोषण होता रहेगा। तानाशाहों की सफलता इसी में है, दुनिया से अपने देश को काट कर रखो, एक झूठा डर दिखाते रहो।